दोस्तों जियो की ओर से बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जितने भी रिलायंस जियो यूज़र हैं या जियो का सिम एक्टिवेशन यानी कि सिम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो अब आपको 5G सर्विसेज इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आकाश अंबानी हैं उन्होंने हाल ही में जियो 5G सर्विसेज इंडिया में कब लॉन्च हो रही है इसके बारे में एक स्टेटमेंट डाला है। जी हाँ, स्टेटमेंट आपको खुश कर सकता है अगर आप 5G सर्विसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए बिना घुमाए फिराए आपको बताता हूँ कि आखिर अपडेट है क्या। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो 5G ऑक्शन हो रहा था, 5G की नीलामी चल रही थी स्पेक्ट्रम की, वो हाल ही में समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर साफ साफ जियो ने बाजी मार ली है और जियो ने बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पेक्ट्रम खरीद लिया है। स्पेक्ट्रम तो आप समझ जाएंगे नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि 5G सर्विसेज के लिए इंडिया सबसे नंबर यानी कि पहले नंबर पर आ रहा है जो इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च करेगा। और लॉन्च की डेट भी आकाश अंबानी की तरफ से अनाउंस कर दी गई है कि आने वाले 15 अगस्त को आपको 5G सर्विसेज इंडिया में देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 5G सर्विसेज का जल्द से जल्द इंडिया में आगाज़ जियो के साथ होने जा रहा है। अगर आप एक जियो यूज़र हैं, जियो का सिम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो आपको 5G सर्विसेज सबसे पहले जियो के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जियो ने सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदा है। इसके बाद एयरटेल ने और एयरटेल के बाद आइडिया वोडाफोन ने यहाँ पर स्पेक्ट्रम खरीदा है। तो जल्द से जल्द जियो जल्दी से जल्दी इंडियन मार्केट में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दे। हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि हम भी 5G की स्पीड को चेक करना चाहते हैं। आप किस तरीके से 5G सर्विसेज को यूज़ करेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप 5G का इंतज़ार कर रहे हो। बस आज की वीडियो में इतना ही।